हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पैरा ओलंपिक्स और ओलंपिक्स जो गेम हैं, जो कि बहुत ही पॉपुलर गेम्स हैं, माने जाते हैं, इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस समझते हैं, सीखते हैं। तो बने रहिए अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। पैरा ओलंपिक गेम्स की शुरुआत 1960 में हुई थी, वहीं ओलंपिक गेम्स की शुरुआत 1896 में हुआ था। पैरालंपिक्स गेम्स में 22 स्पोर्ट्स इंक्लूड है। 22 स्पोर्ट्स इंक्लूड है, इसका मतलब क्या हुआ कि पैरालंपिक गेम्स में 22 इवेंट शामिल हैं। 22 गेम्स, जैसे कि खो खो हो गया, कबड्डी हो गया, ठीक, वॉलीबॉल हो गया, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट गेम्स हैं। इसी तरह से 22 स्पोर्ट्स पैरालंपिक गेम्स में इंक्लूड हैं। और वहीं ओलंपिक की बात की जाए तो इसमें 35 स्पोर्ट्स इंक्लूड हैं। अब आइए बात करते हैं कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो पैरा ओलंपिक, जो मेन डिफरेंस यही है कि पैरा ओलंपिक गेम्स गेम्स में ऐसे पार्टिसिपेंट होते हैं जो कि डिसेबल होते हैं। डिसेबल का मतलब क्या हुआ? या फिर उनके पास पैर नहीं होगा किसी के पास, किसी कारणवश, या फिर हाथ नहीं रहेगा, कहने का मतलब कोई ना कोई डिसेबिलिटी उनके अंदर रहेगी। तो ऐसे पार्टिसिपेंट पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। और वहीं ओलंपिक की बात की जाए तो इसमें कोई भी पार्टिसिपेंट डिसेबल नहीं होता है, इनेबल होता है, ठीक। तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक करिएगा और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।